10 पर्वतारोही अब भी लापता हैं, जिनको रेस्क्यू करने का प्रयास जारी है। लापता जिंदगियों को बचाने की मुहिम लगातार छिड़ी हुई है और इस वक्त जो वायुसेना के जवान हैं वो जुटे हुए हैं ताकि किसी तरह से जिंदगी को बचाया जा सके। बर्फबारी एक तरह से बहुत बड़ी बाधा है इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन में। 75 घंटे से ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन मौसम लगातार खराब बना हुआ है, बर्फबारी लगातार हो रही है, जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें आ रही हैं। 75 घंटे से इस वक्त बचाव का काम चल रहा है। वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स लगातार लगे हुए हैं ऑपरेशन जिंदगी को बचाने के लिए, लेकिन दुखद बात यह कि 19 पर्वतारोहियों की अब तक जान चली गई, उनके शव बरामद किए गए। चौथे दिन भी ये अभियान जारी है, लेकिन मौसम बहुत बड़ा रोड़ा है रेस्क्यू ऑपरेशन आगे बढ़ाने के लिए। हर जान बचानी जरूरी है। वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स लगातार लगे हुए हैं जिंदगी बचाने के लिए, ये मुहिम लगातार जारी है। बर्फबारी जो है बड़ी बाधा बन रही है, मौसम एक बहुत बड़ी बाधा है। बर्फबारी लगातार होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन बीच बीच में रुक रहा है। ये देखिए तस्वीर आपके सामने है, एवलॉन से ठीक पहले की तस्वीर है। ये तस्वीर में ट्रैक करते हुए पर्वतारोही आपको नजर आ रहे होंगे, पर्वतारोहियों की आखिरी तस्वीर है। इस तस्वीर के क्लिक होने के थोड़ी ही देर बाद बर्फीले तूफान ने कहर बरपाना शुरू कर दिया और सभी पर्वतारोही एवलॉन की चपेट में आ गए। जैसे ही हम लोग बाहर बचे थे तो हमारे पास जो रोप थे उसके सारे प्रवास के अंदर चले गए थे। हम पीछे आए, भाग के पीछे से दो रोप खोले और फटाफट प्रवास के ऊपर हमने आइस एक्स लगा के हम सुधा रेफर करके नीचे गए। जितने बच्चों की गर्दन बाहर थी या फिर जो पहले टांग वगैरह दिख रही थी उनको बाहर निकाला, फिर गर्दन जिसकी बाहर दिख रही थी उसको बाहर निकाला, फिर उनको खींच के बाहर निकाला। ये एवलांच आया तो वो स्लैब एवलांच था, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला किसी को भी संभालने का और देखते ही देखते जितने भी ट्रेनी इंस्ट्रक्टर थे सब एवलांच की चपेट में आ गए। 29 मिसिंग थे तो 29 में से देखते हैं अब कम से कम 4-5 तो हो सकते जो बर्फ़ के थोड़ा ऊपर फंसे होंगे, बाकी तो सारे क्रेवास में चले गए थे। बर्फीले तूफान का कहर इस कदर टूटा है, 19 पर्वतारोहियों के शव अभी तक बरामद किए गए हैं। हमारे साथ एक पर्वतारोही इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, बछेंद्री पालन का नाम है। बछेंद्री जी, कई बार हमने देखा है कि इस तरीके के हादसे होते हैं, एवलॉन्च आया, 19 लोगों के अभी तक शव बरामद हुए हैं, आप भी पर्वतारोही हैं, किस तरीके की चुनौतियां आती हैं जब ऐसे एवरेस्ट को चढ़ने की कोशिश आप लोग करते हैं? उस दौरान हम देखते हैं कितना चैलेंजिंग एनवायरमेंट होता है। एवलॉन्च आने के बाद ये अनफॉर्चुनेट जो इंसिडेंट सामने आया है इसके बारे में आपको भी जानकारी मिली होगी, क्या कहेंगे आप? हाँ जी, ये बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य था। हमारे पहली बार इंडियन माउंटेनियरिंग हिस्ट्री में इतना बड़ा एक घटना घटी, बहुत अफसोस है हमको उनके परिवार के लिए, सबके लिए। माउंटेनियरिंग तो बहुत ही जोखिम से भरा हुआ स्पोर्ट है ही है और लेकिन इसमें इतना ज्यादा हुआ मैं सोचूं, बिकॉज ये एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट था, यहाँ पे ये कोर्स चल रहा था एडवांस कोर्स जिसमें बहुत सारे ट्रेनीज होते हैं जिन्होंने बेसिक कोर्स किया था, उसके बाद इन्होंने एडवांस कोर्स करने वाले कर रहे थे ये लोग। अब उसी दौरान में जब उसमें एक समिट एक पीक होता है जो क्लाइम करते हैं, इस ट्रेनिंग का एक ये होता है, तो वो क्लाइम करके जब नीचे आ रहे थे लेकिन दुर्भाग्य से मौसम बहुत खराब था जो मुझे सुनने को आया जी। और ये लोग बहुत बड़ी टीम में थी और अचानक एवलांच आया या फिर इनके जो ग्लेशियर था जिसके ऊपर बर्फ में चल रहे थे वो अचानक कहीं से क्रैक हुआ और वो स्लाइड होके नीचे गिरे थे। और क्योंकि सबसे बड़ा जोखिम था मौसम का। जी जी बछेंद्री पाल जी, जानी मानी पर्वतारोही बछेंद्री पाल अपना एक्सपीरियंस बता रही। जो जानकारी मिली है 19 जो बॉडी हैं वो अभी तक रिकवर्ड हो गई हैं, मिली हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। जहां श्रीनगर से आया हुआ दल भी है, NDRF भी है, STRF भी है, सेना के लोग हैं, ITBP के लोग हैं, स्थानीय प्रशासन है, ग्रामीण हैं, हमारे जनप्रतिनिधि हैं, सभी लोग लगे हुए हैं और मैं भी स्वयं भी लगातार सबके संपर्क में हूँ। जहाँ जैसी ज़रूरत है उसके मुताबिक जो है काम किया जा रहा है।